अस्सलामुअलैकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पंजाब और केपी में इंतखाबात कब होंगे और इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। आइन वाज़े तौर पर कहता है 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात कराने होंगे, लेकिन गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक उसमें डेडलॉक है, फैसला नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब ने, जो सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने 9 अप्रैल का इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, आइनी हैसियत क्या है, इसको अपोजिशन तो इसको वेलकम कर रही है, लेकिन हुकूमत चैलेंज कर रही है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे के जो इलेक्शंस हैं उसका इख्तियार सदर अलवी के पास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर कौमी असेंबली के इलेक्शंस हों और जनरल इलेक्शंस हों तो उसके लिए ये इकदाम जो है वो जो हमारे सदर अलवी साहब हैं वो कर सकते हैं। तो देखना यह है कि इसमें आगे चलकर मामला क्या होंगे, लीगल हैसियत में और आइन और कानून क्या कहता है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक कल से इसका आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं जी पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा, 5 पार्लियामेंटेरियंस और 200 आम कारकुनान जो हैं वो ये हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पंजाब में 144 लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि कल क्या हुकूमत वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस अमल से प्रेशर में आएगी और एक ज़ाहिर है एक बड़ा डेयरिंग ये फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। और अब देखना यह है कि इसका आगाज़ ज़ाहिर है मरहला वार होगा, पंजाब लाहौर से इसका आगाज़ हो रहा है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरेकार जो है वो पंजाब से होता हुआ पूरे मुल्क में फैलेगा। दूसरी तरफ आज बड़ी डिवेलपमेंट पंजाब में हुई, परवेज़ इलाही साहब अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बात की जा रही थी और फाइनली चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। और चूँकि इससे पहले वो इत्तेहादी थे, इत्तेहादी के तौर पे वो सीएम भी रहे, स्पीकर भी रहे, फाइनली उन्होंने इमरान खान का साथ देने का जो वादा था वो निभाया। चूँकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि शायद इस तरह की बातें आ रही थी, क्यू लीग ज़म होगी, लेकिन क्यू लीग ज़्यादा ज़म हो नहीं सकती थी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है परवेज़ इलाही साहब ने। दूसरी इससे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, आफ्ताब सुल्तान जो चेयरमैन नैब थे उनका इस्तीफ़ा और अब नैब में उखाड़ पछाड़ भी शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी बड़ा प्रेशर था और जो दबाव आता था उसके सामने कभी झुका नहीं और कभी झूठे मुकदमे नहीं बनाए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखना यह है कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाती है, माशी और आइनी बहरान है, सियासी जो है वो गरमा गर्मी है और इसके अंदर इस वक्त जो आइन और कानून क्या कहता है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पैनल आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान। खोसा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, किस तरह देखते हैं खासतौर पर कानून आइन और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं इसके लिए बड़ी जद्दोजहद है आपकी, आपने हर दौर में आपने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, आज के हालात को किस तरह देखते हैं, पंजाब के पी के जो इलेक्शंस हैं वक्त पर हो सकेंगे या नहीं, आइन और कानून क्या कहता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी मेरे ख्याल में आइन की अगर रूह को समझें तो फिर तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना वाजिब और लाजिम है आइन के तहत। आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है, वाजे है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर्स भेजते हैं अपनी समरी तहलील करने की असेंबली की तो गवर्नर 48 घंटे के अंदर उसको मंजूर करने का पाबंद है, और अगर नहीं करेगा तो वो खुद बखुद जो है तहलील मुतसवर होगी। कब हम इन सियासी इंतकाम से बाहर आएंगे? देखें, सियासी इंतकाम का तो हम पहले भी कभी जो है इस चीज के कायल नहीं थे, और हमारा 5 साल का दौर आप 2008 से 2013 तक देख लीजिएगा, एक भी हमने ना कोई झूठा केस किया ना किसी को पाबा सलासिल किया। हम तो सियासी इंतकाम के बिल्कुल खिलाफ हैं।
लेकिन जो कुछ मोहतरम इमरान खान साहब ने 3.5 साल में किया वो भी आपके सामने है कि किस किस को उन्होंने अंदर नहीं किया, आपके मीडिया पर्सनेल, आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरो, किस किस को उन्होंने नहीं किया। और आपका जो है इस्लामाबाद में से जिस तरह दीवारें फलांग कर जो है मोहसिन बेग के घर में किया गया, और जिस तरह मुतीउल्लाह को किया गया, जिस तरह मैं नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, और जवाब यहाँ गजल के तौर पर ये भी गलत कर रहे हैं जो कुछ इन्होंने किया है। इसलिए इसमें तो मैं बिल्कुल बड़ा वाजे हूँ, जो मर्जी अगर अगला कहता रहे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब आ जाइए जेल भरो। अरे भाई जेल भरो हमने अयूब खान के दौर में की थी, 5-5 का टोला लेके हम सड़क पर जाते थे और हमारे साथ होता था जेलें भरे। जेलें भरते हो जब आप कॉलोनियल सिस्टम या मिलिट मार्शल लॉ या यूजर्पर कोई इस मुल्क पे काबिज हो जाए आइन की बहाली के लिए या आजादी लेने के लिए, आप भिड़ जाते हो, भिड़ जाते हो। अंग्रेजों की जो पुलिस थी या फौज थी उनसे भिड़ जाते थे मुसलमान, कुछ मारे जाते थे मुसलमान या हिंदू जो भी उस वक्त कर रहे थे आजादी के लिए, कुछ मारे जाते थे, कुछ जख्मी हो जाते थे, कुछ को उठा के पुलिस जो है बंद करती थी। अब मुझे बताएं कि क्या जेल भरो कभी जमहूरियत में भी हुआ है? और फिर दूसरी बात ये है, ये शायद मुझे समझ पहली नहीं बार हो रहा आती है है ये। कि हमारे वजीर आला पंजाब भी शायद मिले हुए हैं कि 144 का नफाज करके उन्होंने एक मौका दिया है कि चलें इस तरह से हम पकड़ तो सकते हैं ना, 5 से ज्यादा का मॉब होगा तो उनको पकड़ के उठा के हम डंप करके अंदर, कोई तो बहाना मिलेगा अंदर करने का। वगरना अंदर करना जो है आपको इल्म है कि एक पर्चा होना चाहिए, जुर्म जुर्म का इर्तकाब हो, फिर पर्चा हो, फिर उसके बाद जुडिशियल रिमांड हो मैजिस्ट्रेट, तब जेल के दरवाजे खुलेंगे। ये क्या समझते हैं कि ये 200 का जत्था जिस तरह फरमा रहे हैं कि 200 का जत्था लाहौर से निकलेगा तो वो सुपरिंटेंडेंट जेल हार लेके खड़ा होगा और ऊपर से जो है गुलपाशी होगी इनके ऊपर और कहेंगे आइए तशरीफ लाइए, आपको हम पनाह देते हैं और खाना भी देते हैं और जगह रहने को भी देते हैं और आइए जेल भरें। अरे बाबा इस तरह से जेलें नहीं भरा करती हैं, आप भी खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें, एक पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली जो है रिजॉल्व करें। पार्लियामेंट को आपने बेतौकीर कर दिया, कभी आप पार्लियामेंट में आते हैं, कभी आप जाते हैं, कभी फिर आते हैं, कभी फिर जाते हैं, तो ये क्या मजाक बना हुआ है? रियासत जो है पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में आप बैठना पसंद नहीं करते हैं, पार्लियामेंट से कानून साजी होनी है, पार्लियामेंट में आपने फ्री हैंड दे दिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक लोटे को बना दिया रियाज राजा को बनवा के, तो फिर आपने तो उनके लिए बड़े आराम से रास्ते खोल दिए कि जो मर्जी करें। तो आपकी इतनी मजबूत ऑपोजिशन बनती है, देखें ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं होती, ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। 1 साल से पार्लियामेंट का ये है कि आप ऑपोजिशन है ही नहीं वहां, तो अवाम तो बेचारी पिस गई है, अवाम तो रुल गई है। आपका 170 अरब का मिनी बजट लगाया है, आपका सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियां करने पर आ गए, आपको अपने इकतदार की जंग पड़ी है और जेलें भरने की जंग पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये कि दोनों तरफ से जो है माशाल्लाह कानून और आईन की बहुत अमलदारी हो इसमें रही कोई है, शक नहीं मैं क्या है, जा रहा कहूँ। दोनों और तरफ से इस पे खुशा साहब बात भी हो रही है, और अब इलेक्शन तो होंगे जा रहे हैं, और अगर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर नहीं होते तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेगा, सिविल क्यादत मिलिट्री क्यादत के ऊपर हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की, लेकिन जब सिविलियन की बारी आती है तो इसके ऊपर बात भी नहीं होती। दूसरा, आपको लगता है कि ये सारे माहौल में जनरल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं केपी पंजाब के, और वन डे इलेक्शन हो वन डे पोल हो, माहौल नज़र आ रहा है आपको इस तरह का? देखें जो इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे 40 अरब एक मांगा, 20 अरब दूसरा मांगा, अब 60-70 अरब रुपया आप इस दो सूबों के इलेक्शंस पे लगाएं, उसके बाद 100 अरब आपका 6 महीने या 4 महीने के बाद फिर और लगाएं। जहर खाने को पैसा नहीं है आपके पास, और आप जो है क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि अगर आपको हाईकोर्ट ने इस वक्त बहाल कर दिया है पीटीआई के मेंबरान को कौमी असेंबली के, तो ये बैठे जाके वहां ये मामला तय करें। आपको इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है, वो भी आपने असेंबली ही में तय करना है, बाहर सड़कों पर नहीं तय करना है। और फिर आप देखें कि आपको अगर ये एक ही इलेक्शन चाहिए तो फिर वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, 2 माह आगे कर लिया पीछे कर लिया, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं जो सियासतदानों को मिल बैठ कर तय करना पड़ेंगे, बिल्कुल एक दिन होने चाहिए इलेक्शन सूबे और मरकज के,
लेकिन ये करने के लिए आप गालम गलूच से, सड़कों से, जेल भरने से, पहले तो जेल में किसी को लेंगे ही नहीं, आप फिक्र ना करें, कोई भी जेल में नहीं जाएगा, ये बैठ बैठ के वापस आ जाएंगे, या जुलूस निकाल के 200 बंदा चला जाएगा सड़क पर, माल रोज बैठे होते हैं माल पर, 200 बंदा ज्यादा बैठे होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। तो ये बेहतर है कि मिल बैठ कर ये इन चीजों का इहाता करें और फिर हल की तरफ जाएं। सभी मुहिब्बे वतन हैं, हम एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाना बंद कर दें, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड कहना बंद कर दें, और हम ये चीजें जब तक खत्म नहीं करेंगे और मिल बैठ कर हम इन चीजों का इहाता करके फैसला नहीं करेंगे, अवाम रुल गई है बेचारी और रियासत का नुकसान हो रहा है। आज हम नुकसान डिफॉल्ट हो की रहा तरफ जाने जा रहे हैं, डिफॉल्ट की तरफ, खुदा ना करे खाकम बदहन, अगर आप डिफॉल्ट होते हो तो फिर श्रीलंका से आपका बुरा हशर होगा, वो जो कुछ आपके साथ होने जा रहा है, वो खुद जो है आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम वो होने नहीं जा रहे, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। और माशाल्लाह एक वजीर साहब कहते हैं कि गद्दार है जो ये कहेगा, आपका सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है गद्दार है जो ये कहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, और माशाल्लाह आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट हम नहीं होने जा रहे हैं, हम तो इनको जो है परवाह ही नहीं करते IMF की, जो मर्जी करे। अच्छा, ये बिल्कुल डिफॉल्ट की बातें भी हो रही हैं, और दूसरा इस पूरी इस माहौल में इसको सियासी मफाहमत आपको नज़र आ रही है? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की आपने बड़ी एक तवील जंग लड़ी, पाकिस्तान तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है, अब इदारे जो है वो बेतौकीर हो रहे हैं, और सुप्रीमेसी तो हमें कहें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, तो जो थिंक टैंक्स हैं पीछे, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं? मफाहमत हो रही है, कोई पस्से पर्दा बातचीत हो रही है? यार किससे बात करें, देखिए ना, जब आपकी एक क्रेडिबिलिटी गैप आ गया है, अगर आप एक तरफ तो आप अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाने के लिए सारी अदालतों को इस तरह इंतजार करवाते हैं कि आल अमान सारा पाकिस्तान कल देख रहा था क्या हुआ है, और दूसरी तरफ आप एक दिन बाद कह रहे हैं जेल भरो तहरीक चलाओ और उनको सब हम जेल जाएंगे सारे, वो कौन सी चीज ठीक है? क्या जमान से करवाना ठीक है या जेल में जाना ठीक है? वो भाई अगर जेल में जाना है तो फिर जमानतें क्यों करवा रहे हो, फिर अदालतों के आगे क्यों इस तरह से गिड़गिड़ा के कर रहे हो और छह छह आठ आठ घंटे जजेस को इंतजार करवा रहे हो, और फिर सारे जो है आपके वर्कर बेचारे वो जलील ख्वार हो रहे हैं और आपके आगे कैंप डाला हुआ है वगैरह वगैरह, फिर आने दो, गिरफ्तार करने दो, फिर जाने दो, जेल भरो, देखो फिर जेल भरी जाती है, तो किससे बात करें? पहले तो ये है कि कोई इस मुस्तकिल मिजाजी किसी भी पार्टी के अंदर हो ना, तो रोज यू टर्न्स मारे जाते हैं इस तरह से कि परेशान हो गई है, अब कंफ्यूजन का एक जो है मंबा बना हुआ है, कोई पता नहीं है, आम आदमी से आप जरा पूछ लें, आज कहते हैं कि जी तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, और रात को 12 बजे तेल की कीमत जो है वो 30 रुपए जी बिल्कुल 50 रुपए बढ़ जाती है, और आफरीन है अवाम पर, मैं सलाम करता हूँ अवाम को भी कि वो बजाय इसके कि उसका एहतजाज करें लंबी लंबी लाइनें लगा देते हैं कि पेट्रोल ले लें आज हम, जैसे जैसे वो एक ही दिन इनको पेट्रोल जो है वो इनका 6 महीने या साल चलेगा वो तेल जो है, और वो कोई कस्टमर आप बताएं मुझे, कोई ट्रैफिक की कमी हुई है कहीं आपको नजर आई है? गाड़ियों की लाइनों में बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं, हमारी भी इसी की अंदाज की इंतहा हो चली है, और इसीलिए जो भी है लल्ले तल्ले करते हैं हुक्मरानों को, इसलिए फिक्र तो तब हो ना जब उन्हें पता हो गया अवाम आज जो है चोक कर देगी सारा पाकिस्तान अगर हमने बढ़ा। मुझे याद है अयूब खान के दौर में 4 आने बढ़ी थी, 4 आने कीमत बढ़ी थी, अयूब कुत्ता हाय हाय करके तो निकाल के, एक जो डिक्टेटर इतना मजबूत डिक्टेटर था, फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान को उठा के अवाम ने बाहर मारा था जब अवामी शऊर जागा था और 4 आने कीमत बढ़ी थी। अब आपने कहां से कहां पहुंचा दी है कीमतें, और फिर आप कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और भाई कश्मीर में 60 रुपए तेल मिलता है, आपका 260 रुपए तेल है, आपका जो वहां डॉलर की कीमत देखें कश्मीर में, आपकी 125 रुपए डॉलर वो भी नहीं मिल रहा है आपका, जरा आप दालों की और भाव जरा तेल का और बाकी चीजों का लगा ले पाकिस्तान में और उधर, तो पहले अपने आप को तो भाई मजबूत करो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, आपको कोई भी आपका जो है वो, हाँ अगर किम उसकी सेल है, टिम ऑक्टन की सेल एक दिन की तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देती है, ये है आपके अवाम माशाल्लाह, टिम ऑक्टन की आपकी एक दिन की सेल दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देती है,
फिर वो बाहर वाले दुनिया, फिर वो जाहिर है कि आईएमएफ कहेगी ये कैसा गरीब बोल के, ना तो इनके जो है आवाम ने कोई रिएक्ट किया है, आपका वो एक बाहर की एक कंपनी आती है फूड आइटम के लिए और वो दुनिया का रिकॉर्ड बना देती है, और आपको जो तेल महंगा होता है तो आपकी लाइनें लग जाती हैं पंप पर, पेट्रोल पंप पर, वो दुनिया वो देखते नहीं है, वो पागल है क्या आप समझते हैं? तो इस तरह से आप जो है माशाल्लाह रिएक्ट कर रही है आवाम भी हमारी, उस माशा माफ कीजिएगा माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। बिल्कुल, बहुत इसमें कोई शक नहीं कि अवामी शौर की और ख़ास तौर पे अवामी तरजीहात है, महंगाई एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अवाम सड़कों पर नहीं निकल रहे, अवाम हुकूमत के इन फैसलों को चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका जो शिकवा है वो बिल्कुल बजा है और ये बात हर जगह डिस्कस हो रही है कि अवाम जो है वो रद्द अमल नहीं दे रहे, अवाम पेट्रोल पम्प्स पे क्यों बना के महंगा पेट्रोल ख़रीदने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन वो जो हुक्मरान हैं उनकी जो असम्बलियाँ हैं उस तरफ एहतजाज करने को तैयार नहीं। और जब तक अवाम का ये रवैया रहेगा, हुक्मरान तबका इसी तरह अवाम के जो हकूक़ है उनको उनके ऊपर इसी तरह डाका डालते रहेंगे, अब कुछ चैलेंज करना होगा और अपना हक छीनना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।